हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर। और रेस्टोरेंट में जैसे बनाते हैं उसी तरीके से इसे बनाएंगे। तो देखिए, मैंने ये तीन प्याज लिए हैं, तीन टमाटर लिए हैं। तो प्याज मीडियम साइज़ वाले हैं और ये टमाटर मैंने बड़े साइज़ वाले लिए हैं। तो प्याज हमने जितना लिया है उससे डबल हमें टमाटर लेना है। तो देखिए, ये बड़े वाले मैंने टमाटर लिए हैं और प्याज मीडियम साइज़ के हैं। तो टमाटर हमें पीस लेने हैं और प्याज को हमें बारीक चॉप करके लेना है। और कढ़ाई पनीर का हमें मसाला बनाना है। तो देखिए, अभी मैंने ये धनिया, जीरा, काली मिर्च और ये मिर्च ली है। तो ये कलर वाली मिर्च है, पेट की मिर्च है या कश्मीरी मिर्च भी आप ले सकते हैं। तो धनिया हमें चार भाग लेना है, एक भाग हमें जीरा लेना है, आधा भाग हमें काली मिर्च लेनी है। तो सबसे पहले तो हमें मिर्च को तोड़ के कढ़ाई में हम डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से भून जाए। और ये कलर वाली मिर्च है, तो बस अभी ये मिर्च मैंने डाल दी। अभी ये सारे मसाले भी हम इसमें डाल देते हैं और इसे अभी कम आँच पे हमें चम्मच से चलाते हुए इसे भून लेना है। तो धनिया मैंने चार भाग लिया है, एक भाग हमें जीरा लेना है, आधा भाग हमें काली मिर्च लेनी है। तो बस अभी ये मसाला मैंने भून दिया, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। बस अभी ये मसाला निकाल के इसे हमें ठंडा करना है और ठंडा होने के बाद मैं इसे पीस लेती हूँ। तो कढ़ाई में अभी हमें ऑयल डालना है। तो ये तीन चम्मच जितना मैंने ऑयल डाला है। तो अभी रेस्टोरेंट में जैसे बनाते हैं उस तरीके से बना रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है। आपके हिसाब से भी ऑयल आप ले सकते हैं। तो तेल गरम हो चुका है और इसमें अभी मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। तो और हमने जो प्याज लिया था वो भी मैंने बारीक चॉप करके इसमें डाल दिया है। तो प्याज को हमें अभी सुनहरा होने तक भूनना है। तो जीरा हमने मसालों में भी पीसा था, इसीलिए हमने जीरा थोड़ा सा ही इसमें डाला था। तो देखिए, अभी मैंने प्याज थोड़ा सा भून लिया। अभी हमें इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक और ये हरी मिर्च डालनी है। तो हरी मिर्च आपके हिसाब से आप डाल सकते हैं, आपको सब्ज़ी कितनी तीखी पसंद है उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। तो बस अभी ये भी हमें अच्छे से भून लेना है और मसाला मैंने ठंडा करके इसे मैंने पीस लिया है। और टमाटर और ये हरे धनिया के डंठल जो होते हैं वो मैंने थोड़े से ले लिए हैं, तो इसे भी हमें बारीक पीस लेना है। तो बस अभी प्याज में सुनहरा होने तक इसे मैं भून लेती हूँ। तो देखिए, प्याज अभी मैंने पूरा सुनहरा होने तक इसे भून लिया है और हमने इसमें अदरक और लहसुन थोड़ा सा बारीक चॉप करके भी डाला है और बाद में हम इसमें पेस्ट भी इसमें डालने वाले हैं। तो प्याज भूनने के बाद अभी मैंने इसमें टमाटर डाल दिया और टमाटर को हमें अभी अच्छे से भून लेना है। पूरा ऑयल छूटने तक हमें इसे भून लेना है। इसे बिल्कुल भी हमें कच्चा नहीं रखना है, क्योंकि ये टमाटर जब भी कच्चा रहता है तभी इसमें थोड़ा सा खट्टा स्वाद सब्ज़ी में हो जाता है। तो देखिए, अभी ये टमाटर अच्छे से पक जाए इसलिए मैंने इसमें नमक डाल दिया और बस अभी ये टमाटर हमें ऑयल छूटने तक इसे हमें भून लेना है। तो आप देख सकते हैं, ये टमाटर मैंने अभी भून लिया है, इसमें से अभी थोड़ा सा ऑयल दिखने लगा है और थोड़ा सा हम इसे भूनेंगे। तो यही हमारा मसाला बनने वाला है, इसीलिए आपको मसाला अच्छे से भून लेना है। मसाला हम जब अच्छे से भूनते नहीं हैं तो वो स्वाद भी सब्ज़ी में आता नहीं है, इसीलिए मसाले को अच्छे से आपको भून लेना है। तो एक चम्मच भर के अभी मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल दिया है। तो पहले भी हमने अदरक और लहसुन काट के भी डाला था और बाद में अभी मैंने ये अदरक और लहसुन बारीक पीसा हुआ डाला है। तो बस अभी अदरक लहसुन भी मैंने अच्छा भून लिया। अभी हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च है, थोड़ी सी हल्दी भी मैंने इसमें डाल दी है। तो बस अभी इसे हमें अच्छा भून लेना है। और आपको तीखी मिर्च इसमें डालनी है तो थोड़ी सी तीखी मिर्च भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये हमने जो मसाला बना के रखा था कढ़ाई पनीर का, वो हम दो चम्मच भर के हम इसमें डाल देते हैं। तो चम्मच हमारे जो घर में होता है पोहा खाने वाला चम्मच, तो उसी चम्मच का मैंने इस्तेमाल किया है। तो बस अभी इसे हमें अच्छे से भूनना है। तो देखिए, मसाले मैंने अभी ये अच्छे भून लिए हैं। तो बस अभी इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालना है। तो अभी ये मिक्सी जार में ही मैंने पानी ले लिया है और बस इसे मिला देते हैं।
और थोड़ा सा पानी हमें लगने वाला है इसमें, तो हम ये मसाले को हम पकाएंगे, इसलिए हमें थोड़ा सा और पानी इसमें डालना पड़ेगा। तो देखिए अभी मैंने ये थोड़ा सा और पानी इसमें डाल दिया है, इसे भी हम अच्छे से मिलाएंगे। और नमक हमने जब टमाटर हमने भूनने के लिए डाला था तब भी हमने नमक इसमें डाल दिया था, तो मैंने बाद में इसमें नमक नहीं डाला है। तो बस अभी ये मसाला हमें कम आँच पे ढक्कन लगा के इसे हमें पका लेना है, तो ऑयल छूटने तक हमें इसे पकाना है। तो दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रख दी है कम आँच पे, और इस तरफ अभी मैंने ये पैन रखा है, तो पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल लिया और इसमें अभी हमें पनीर को भून लेना है। तो पनीर देखिए अभी ये मैं पनीर इसमें डाल देती हूँ, और ये पनीर मैंने घर में ही बनाया है, तो मलाई पनीर की रेसिपी भी मैंने आपसे शेयर की है। इससे पहले मैंने मलाई पनीर की रेसिपी ही अपलोड की है, उसे आप पहले देख लीजिए, बहुत ही अच्छा मलाई पनीर बनता है। डेयरी में जैसे बनाते हैं उसी तरीके से मैंने ये पनीर बनाया है और बहुत ही अच्छा बनता है। तो देखिए अभी ये पनीर हमें भूनना है, पर बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इसे पूरे सुनहरा होने तक जब भूनते हैं तो ये थोड़ा सा कड़क हो जाता है। तो अगर सॉफ्ट पनीर आपको पसंद है तो इसे आप बिना भुने भी इसे डाल सकते हैं। तो बस अभी मैं थोड़ा सा इसे भून लेती हूँ, इसमें जो पानी होता है वो जाने तक ही मैंने इसे भून लिया। इसके बाद मैंने इसे निकाल लिया। अभी पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसमें अभी हम ये शिमला मिर्च डालेंगे। तो दो शिमला मिर्च मैंने काट ली है और ये एक प्याज मैंने लिया था, तो इसे मतलब इसके पीस भी हमें बड़े ही रखने हैं, इसे छोटा नहीं काटना है। तो इसे 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हमें इसे भून लेना है। इसे बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें थोड़ा सा हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए ही इसे भूनेंगे। तो देखिए अभी मैंने हाई फ्लेम पे इसे भून लिया है, तो ये भी अभी बन के रेडी हो चुका है और मसाला भी हम देख लेते हैं। तो देखिए मसाला भी ये पक चुका है, इसमें से ऑयल भी आपको दिखने लगा है। तो देखिए अभी ये इस तरह से मैंने ये मसाला पका लिया है। तो बाद में हम जब पनीर डालते हैं, शिमला मिर्च डालते हैं, तो इसे हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाते हैं, इसलिए पहले ही आप इस मसाले को पका लीजिए। तो देखिए अभी मसाला मैंने पका लिया, इसके बाद अभी हम इसमें 1 चम्मच भर के मैंने ये गरम मसाला डाल दिया है। तो ये रेडीमेड गरम मसाला है बाहर का, इसीलिए मैंने 1 चम्मच भर के इसमें डाला है। अगर घर में बना हुआ गरम मसाला हो तो आधा चम्मच इतना ही आप इसमें डाल दीजिए। तो इसमें अभी थोड़ी सी हमें कसूरी मेथी भी डालनी है, तो देखिए हाथों पे थोड़ा सा मैंने क्रश करके ये कसूरी मेथी इसमें डाल दी है। तो रेस्टोरेंट में ये कसूरी मेथी डाली ही जाती है, बहुत सारी सब्जियों में कसूरी मेथी डालते हैं। तो बस अभी मैंने इसे अच्छे से मिला दिया, इसमें अभी हम ये पनीर डाल देते हैं। तो पनीर को अभी डालने के बाद हल्के हाथों से मिलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाएंगे क्योंकि ये पनीर टूट सकता है। तो बस अभी ये मसालों में मैंने ये पनीर मिला दिया, हमने जो शिमला मिर्च और प्याज को जो भून के रखा था वो भी हम इसमें डाल देते हैं। और प्याज और शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, इसमें थोड़ा सा क्रंच होना चाहिए, इतना ही इसको आपको पकाना है। तो बस अभी इसे भी मैं अच्छे से मिला देती हूँ। और कढ़ाई पनीर आपको मतलब अभी मैंने ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया है, इसे मीडियम ही रखा है आपके हिसाब से, इसे थोड़ा सा पानी डाल के आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस अभी हरा धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया, इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। तो हमने अब भी पनीर इसमें डाला है, शिमला मिर्च डाली है, तो ये मसाले भी अच्छे से इसमें लग जाए, तो इसीलिए हमें इसे अभी ढक्कन लगा के कम आँच पे इसे हमें 5 मिनट के लिए हम रख देंगे पकने के लिए, ताकि ये सारे मसाले इसमें लग जाए। तो बस अब ये ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए मैंने इसे पका लिया है, और आप देख सकते हैं इसमें ऑयल छूटा है, तो इतना मैंने इसे पका लिया है। और ये देखिए ये ग्रेवी भी देखिए कितनी अच्छी बनी है, कढ़ाई पनीर बहुत ही दिखने में भी अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बना था, और बहुत ही सिंपल तरीके से भी बनाते हैं, घर में सारी चीज़ें हमारी होती है। तो ये मैंने अभी ये सब्ज़ी बनने के बाद मैंने ये अमूल का जो फ्रेश क्रीम मिलता है वो मैंने डाला है 2 चम्मच। अगर ये फ्रेश क्रीम ना हो तो घर में जो मलाई होती है तो उसे थोड़ा सा फेंट लीजिए और उसके बाद फिर इसमें थोड़ी सी डाल दीजिए। अगर मलाई नहीं है तो नहीं डालेंगे तो भी चलेगा,
तो रेस्टोरेंट में थोड़ा सा ये फ्रेश क्रीम डालते हैं, इसलिए मैंने इसमें डाल दी है। तो बस अभी फ्रेश क्रीम मिलाने के बाद अभी इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। बस अभी देखिए, बस मैंने अच्छे से मिला दिया। अभी ये हमारी कढ़ाई पनीर बन के रेडी हो चुकी है। तो रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठों के साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगती है ये कढ़ाई पनीर। और ग्रेवी भी आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है, मतलब बिल्कुल भी प्याज अलग, टमाटर अलग, ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है, एक जैसे हमारी ग्रेवी अच्छे से बन चुकी है। तो इसे अभी मैंने थोड़ा सा कढ़ाई में निकाल लिया। अभी मैं इसे और थोड़ा सा निकाल के भी आपको दिखाती हूँ। तो शिमला मिर्च और प्याज को भी हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं, इसमें क्रंच होना चाहिए। तो कढ़ाई पनीर हमने बनाया है तो उसमें थोड़ा सा ये शिमला मिर्च में थोड़ा सा क्रंच होता है। तो देखिए ये हमारा कढ़ाई पनीर बन के रेडी हो चुका है। तो इस कढ़ाई पनीर को बनाइए और बनाने के बाद मुझे कमेंट करके बताइए ये सब्ज़ी आपकी कैसी बनी है। और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।